हावड़ा में बार बार रेस्टोरेंट तथा शराब की दुकानों में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ी। हावड़ा स्टेशन के आसपास की सभी शराब दुकानों में जमकर शराब की बिक्री हुई। होटल हो या रेलवे का बार व रेस्टोरेंट या फिर छोटी छोटी शराब की दुकानें, इनको रोकने या बंद कराने के प्रति पुलिस भी उदासीन रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की भेदभाव की नीति के कारण शराब की दुकानें धड़ल्ले से चल रही है। এক্সাইজ থেকে আমাদের কাছে কোনো অর্ডার নেই যে বন্ধ, আমাদের খোলা হয়েছে এমনি জেনারেলি 11টায় খোলা হয়, কিন্তু আজকের আমাদের 12টার পরে খোলা হয়েছে। এখানে দেখেছি আরও যে দোকানগুলো আছে সবকটাই খোলা আছে, সেই কারণে খোলা বুঝবি নেই শুন রে লোক, কিউকি অলরেডি দেখে 50% খোলা হুয়া হ্যায়, পুলিশ আ রে বন্ধ কর দে রা, পুলিশ জানে কে বাদ ফির চালু কর দে রা, এ তো বদমাশি কর রে লোক, কুছবি নেই ই লোক কো সমঝ মে নেই আ রা হ্যায়। ठीक है, पुलिस का भी ये लोग नहीं सुन रहा, किसी का नहीं सुन रहा है, किसी का नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अब जितना भी देखिए वहाँ पे होटल अभी बंद हो जाएगा, आप लोग को देख करके फिर आप लोग जाइएगा, फिर चालू हो जाएगा सारा दुकान, होटल, खाने का चीज़, ये मेडिकल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइसेंसी है इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो खाने का पीने का वो तो चालू करके रख रहा है, पुलिस को देख के आप लोग को देख के बंद कर दे रहा। क्यों? सुबह से दुकान खुला? हाँ, सुबह से 6 बजे से चालू रहता है। कहाँ से लॉकडाउन है, कहाँ से कर्फ्यू है हमको बताइए? रात का कर्फ्यू है ठीक है, मगर दिन का जो बुधवार बुधवार का अगर लॉकडाउन कर रहा है तो कोई सुन रहा है? ये तो कोई भी नहीं सुन रहा है। कोरोना के मामले राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोलकाता, उत्तर 24 परगना के बाद सबसे अधिक मामले हावड़ा में ही आ रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों के बीच लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह देखना होगा। भारत मित्र लाइव के लिए हावड़ा से उमेश तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।